ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में। आज देवोत्थान एकादशी है, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। बहुत शुभ दिन है। भारतीय संस्कृति में इसे अनुसूत साया माना जाता है। और आज के दिन कहा जाता है कि भगवान जो विष्णु है वो योग निद्रा से जागते हैं, और कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के भी आज के दिन आप कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, वो अद्भुत रूप से जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। यानी आज के दिन मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं, कोई भी काम श्री गणेश करके आप जीवन में कल्याण के योग बना सकते हैं। आज के दिन सनातन धर्म में खासतौर पर विशेष महत्व के तौर पर आज का दिन माना जाता है। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारे बात बताने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र के अनुसार से आज आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा आपके जीवन में, क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, पंचांग की बात कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष है, कार्तिक का महीना चल रहा है और एकादशी तिथि है और रविवार का अवसर है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र आज विद्यमान है। हर्षण नाम का योग बना हुआ है। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। वैसे तो आज अनुसूत साया है, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। और विशेष तौर पर आज रवि योग भी बना हुआ है सूर्य उदय से, और सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो शाम को 6:30 से आरंभ हो जाएगा। राहु काल जो है वो आज रहेगा शाम को 4:16 से लेकर 5:38 तक। साथ साथ आज भद्रा भी है, रात्रि में करीब करीब यानी 6:14 से आरंभ हो जाएगी और सुबह करीब करीब 6 तक रहेगी। थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए जो लोग आज शादी कर रहे हैं। देखिए, अनुसूत साया तो है, परंतु रात में भद्रा रहेगी तो भद्रा के समय में शादी नहीं करनी चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले सायंकाल से पहले पहले विवाह का योग बना लीजिए, नहीं तो शाम को उपाय करने के बाद ही कुछ कार्य करिएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि पर चल के उपरांत मीन राशि पर आएंगे। आज आज देव प्रबोधनी एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। साथ साथ तुलसी विवाह होता है आज के दिन, भगवान की पूजा करने का अद्भुत दिन माना जाता है। और साथ साथ चतुर्मास जो है वो आज पूर्ण होता है। कार्तिक मास विशेष तौर पर बहुत शुभ होता है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी तो है, वो तो भारतीय संस्कृति के अनुसार से सबसे शुभ दिन भारतीय संस्कृति के अनुसार माना जाता है। इसमें देवउत्थान होता है, देवउठनी एकादशी रूप में प्रबोधनी एकादशी के रूप में भी इसको माना जाता है। एकादशी के खासतौर पर जो है वो दिवाली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी में देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस पर्व का भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति में अद्भुत महत्व बताया गया। इस दिन दान करने से, पुण्य करने से, कर्म करने से समस्त मनोकामना पूर्ति के योग बन जाते हैं, और शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि वैकुंठ की प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाते हैं। ये सारे रहस्य आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा उपाय भी है, वो आज नोट कर लीजिए। आटे की 7 लोई बना लीजिए और पिंड के आकार में उन्हें रखें, और 7 सिंदूर की टिकिया लेकर और साथ साथ 7 इलायची लेकर बरगद के 7 पत्तों पर अलग अलग रख दें, और इन सब पिंडों पर दूध से सायंकाल के समय गोधूली वेला पर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए अर्घ दे दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए। और अपने कार्य के उपरांत खासतौर पर इन कार्यों को यदि छत पर, घर की छत पर या आंगन में करना है आपको, और अगले दिन सबको उठाकर किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, देखिएगा आपके कष्ट भी कम होंगे, मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे। आज रविवार है, भगवान सूर्य का भी आराधना का दिन है, और भगवान सूर्य को खासतौर पर सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। उनकी जो ऊर्जा है उससे जगत खासतौर पर संचरण करता है, और ऊर्जा देने वाले अद्भुत देवता माने जाते हैं। इस जगत के समस्त जीव जो है वो भगवान सूर्य से ही तेज प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह उनको अर्घ देने का शास्त्र में विशेष नियम बताया गया। उगते सूर्य को अर्घ देने से आरोग्यता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये तो रिसर्च आज पूरे विश्व में हो चुकी है, और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि एक जर्मन साइंटिस्ट ने बताया है कि जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है यदि सही विधि से दिया जाए तो अद्भुत रूप से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, अद्भुत लाभ देता है, कीर्ति बढ़ाता है, कांति बढ़ाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इसकी व्यवस्था बताई, बीमारियाँ ठीक होती हैं। और नित्यपति सूर्य को ताम्र के पात्र में जल देने से, जल अर्पित करने से, अर्घ देने से बहुत से कष्टों की दूर हो जाते हैं। सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए व्यक्ति को। सूर्य उदय से पहले जागकर
जो खासतौर पर सूर्य को अर्घ देते हैं उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, चेहरे पर तेज उत्पन्न हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और कुंडली में यदि सूर्य में कोई दोष है तो वो भी रविवार के दिन उपवास करते हुए इस कर्म को करने से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक लाभ के लिए माता पिता को खासतौर पर विशेष तौर पर जिनके सूर्य संबंधित योग है विशेष तौर पर सम्मान करना चाहिए। जो लोग माता पिता का की अवहेलना करते हैं उनके जीवन में सूर्य खासतौर पर कष्ट देने के योग बना देते हैं। सूर्य यदि कष्ट के योग बना रहे हैं खासतौर पर तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़, गेहूँ, दलिया, लाल मिर्च, केसर इत्यादि का भोजन किसी गरीब व्यक्ति को कराना चाहिए। देखिए लाभ के योग बनेंगे। अब समय हो गया है राशियों के बारे में बात करने का। मेष चलेगा मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मामले करेंगे कल्याण मेष राशि वालों। व्यवसायिक क्षेत्र में यात्रा करेंगे वो लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। रोजगार प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। निवेश आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार में मन अनुकूल लाभ प्राप्ति के संकेत ग्रह दे रहे हैं। कोई बड़ी समस्या जो है उससे मुक्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं। किसी को न्यायपूर्ण बात करने का जो आप करेंगे उसका भी विरोधाभास होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान होकर काम करें, वाद विवाद न करें, कुबुद्धि आप पर हावी हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। खर्चों पर नियंत्रण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी मंदिर में तुलसी का पेड़ लगाएं, घर में तुलसी का पेड़ लगाएं। बहुत शुभ दिन है, कल्याणकारी योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है दिख लीजिए। आज थोड़ा चिंता और तनाव के ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु यश बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शुभ समाचार प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, परंतु आज कोई गलत काम मत कीजिएगा। जोखिम बड़े काम करने का आपका मन में साहस जाग सकता है। व्यापार के क्षेत्र में अच्छा रहेगा दिन, निवेश शुभ रहेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी दिखाई देता है। कामों में थोड़ी सावधानी बरतें, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, कल्याण होगा। अगली राशि के संबंध में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप से आए एक मैसेज की। धनबाद से पवन गुप्ता जी का मैसेज आया है और उन्होंने वो लिखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत भरपूर करते हैं, परंतु बरकत नहीं हो पाती। धन के जो रास्ते हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ने के रास्ते नहीं बन पा रहे। क्या करें, कुछ उपाय बताइए। चिंता ना करें, आप उपाय करिए, हम आपको अवश्य बताते हैं। आपके घर में खासतौर पर आपको कुछ उपाय करने चाहिए। आपके घर में उस दिशा को सबसे पहले आप प्योरीफाई करने का प्रयास कीजिए, अपने घर को साफ करने का प्रयास कीजिए। जहाँ शुद्धि है वहीं और खासतौर पर सुगंधी है वहीं समृद्धि होगी। जहाँ से धन आता है उसको खासतौर पर साफ करने का प्रयास करें। घर का उत्तर कोना जो है वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखिए इस बात को समझ रहे, यदि ये कोना घर का सही नहीं है तो धन का शोध भी अच्छा नहीं बन पाएगा। आजीविका खासतौर पर जो है आपके जीवन में आगे बढ़ाने का योग तभी देगी, आपके जीवन में कल्याण के योग तभी देगी जब आपको खासतौर पर ठीक करना हो। खर्चा चलना, आमतौर जीवन चलना एक अलग बात है, धन धान्य से परिपूर्ण जीवन एक अलग बात है। तो समृद्धि यदि में विकास चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो धन की बरकत चाहते हैं, तो घर की उत्तर दिशा को एकदम साफ सुथरा साफ रखने का प्रयास कीजिए। एक उपाय करें, उत्तर दिशा में एक क्रिस्टल का कछुआ ला के रखिए और वहाँ प्रकाश की व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। देखिएगा उत्तर की दिशा से हवा और प्रकाश का यदि स्रोत प्राकृतिक अच्छा है तो उन्नति का द्वार खुल जाएगा। छोटा सा काम है, करके देखिए। ये क्रिस्टल का जो कछुआ रखेंगे या यंत्र जो खासतौर पर रखें, यंत्र के रूप में क्रिस्टल रखिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के मंत्र से सिद्ध करा लीजिएगा, देखिए कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज प्रयास में सफल होते दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है, मान सम्मान प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज जो काम का क्षेत्र है उसमें आपकी प्रशंसा होती दिखाई दे रही है। कार्य सिद्धि के योग प्रबल रूप से आपकी राशि में बने हैं, परंतु लेन देन में जल्दबाजी ना करें, किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। आज बेकार के स्ट्रेस से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, और हो सके तो एक काम करें, तुलसी के पेड़ में मंजरी आ रही होगी आजकल, जो बीज होते हैं ना उनको तोड़कर भगवान को समर्पित करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों आपकी राशि में क्या कुछ बनना है योग जान लीजिए। आज माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। राज्य का थोड़ा भय आपको परेशान कर सकता है, परंतु वांति पर आज नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा काम में, कीमती वस्तुएं जो है संभाल के रखने का प्रयास कीजिएगा। थकान कमजोरी थोड़ी परेशान कर सकती है, और निवेश थोड़ा सोच समझ के कीजिए। 6 अंक आपके लिए शुभ है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, हो सके तो पंचामृत से उनका अभिषेक करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न आया है, वो आया है फरीदाबाद की अदिति जी का, और वो लिखती हैं कि किसी के हाथ के क्षेत्र में, हाथ में सूर्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर यदि त्रिभुज बना हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होता है।
देखिए पामिस्ट्री के दृष्टिकोण से आपके छोटे छोटे चिन्ह जो है वो आपके जीवन में अद्भुत योग बनाते हैं। किसी जातक के हाथ में यदि सूर्य पर्वत पर त्रिभुज है तो वो जातक खासतौर पर कहा जाता है कि 50 वर्ष के बाद अद्भुत सफलता प्राप्ति के योग बनाता है। हालांकि शुरुआती जीवन में कुछ मुश्किल का दौर जरूर गुजारना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति जो जातक है जिसके हाथ में त्रिभुज का निशान बना हुआ है वो थोड़ा जिद्दी भी होता है, परंतु आगे बढ़ने के योग अवश्य बनते हैं और साहस भी अद्भुत होता है, जुनूनी होता है। यदि ये त्रिभुज टूटा फूटा है तो कष्ट के योग बनते हैं। दिवाली के बाद खासतौर पर देवउठनी जो एकादशी आती है उसे प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। और भारतीय शास्त्र के अनुसार से भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में कहा जाता है शयन के लिए चले जाते हैं और योग निद्रा से आज के दिन वो जागते हैं। और कहा जाता है देखिए भगवान विष्णु योग निद्रा में, योग निद्रा शयन के लिए कहा गया, योग निद्रा वर्ड यूज किया गया, योग निद्रा। और ऐसी अद्भुत चीज़ है योग निद्रा, शेष की शैया पर यानी ऐसे 1000 फन वाले जो नाक के ऊपर कौन साधारण नींद सो सकता है, तो ऐसे में उस नींद पर जाने के लिए योग निद्रा ही आवश्यकता है। और दुर्गा सप्तशती में कहा गया विश्वेश्वर जगद्दातिम स्थिति संहार कारण निद्राम भगवतीम विष्णु रतलाम तेजसा प्रबोध, भगवती स्वयं उनकी आंखों में जाती हैं और वहां से उनको योग निद्रा की तरफ जाते हैं। और हरि के जागने के पश्चात कहा जाता है कि समस्त मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी खासतौर पर अद्भुत नियम शास्त्र में बताया गया है। जो व्यक्ति कन्या सुख से वंचित है यदि वो इस दिन भगवती तुलसी का विवाह कर ले तो कहा जाता है कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाते हैं। मांबे करेंगे कल्याण सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज के दिन मांगलिक कार्यों में भाग लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। वरिष्ठ जो लोग हैं उनके प्रबुद्ध लोगों के मार्गदर्शन में यदि काम करेंगे तो अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा मन में कष्ट और भय आपको परेशान कर सकता है। अरे चिंता ना करें, भाग्य का साथ आपके साथ है, फिर काहे की चिंता। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए संतरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, भगवान पर बिल्वपत्र समर्पित करें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। शत्रु परास्त होते दिखाई दे रहे हैं, सुख साधनों पर थोड़ा खर्चा अधिक होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, बाधाएं दूर होने के योग बनेंगे। प्रयास जो करेंगे वो सफल होंगे, भाग्य साथ देगा, मार्केट से आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। आज उपाय के तौर पर क्या करना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय के तौर पर आज जिद पर ना अड़े इस बात का ध्यान रखें, कमल के पुष्प भगवान को समर्पित करें, कल्याण होगा। भगवान विष्णु को कमल समर्पित करने से अद्भुत योग बनेंगे। आज के शुभ योग में तुलसी विवाह का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह उत्सव पूरे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता है। कहा जाता है कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी के विवाह का आयोजन करता है उसके पिछले जन्मों में भी अनेक जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाली स्त्रियों को खासतौर पर कहा जाता है कि एकादशी के एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शालिग्राम जी का तुलसी विवाह को जो विवाह रचाने का प्रयास करती हैं, समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बजा के सुंदर मंडप बनाकर जो संपन्न करते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है और तुलसी विवाह के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ठीक आरंभ हो जाता है। कई जगह ऐसा विधान है नवमी और दशमी के दिन आरंभ हो जाता है और कई जगह ये आरंभ होकर यानी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा तक का चलता है योग, तो किसी भी इन दिनों में आप करके इसको लाभ ले सकते हैं। और जब विवाह करने के उपरांत अगले दिन कहा जाता है किसी ब्राह्मण को इसको दान कर देना चाहिए। तुलसी विवाह की यही पद्धति शास्त्र में अनादिकाल से प्रचलित है। शास्त्रों में कहा गया कि जिन दंपत्तियों को संतान नहीं होती यदि वो तुलसी विवाह करके कन्यादान के समक्ष पुण्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जब बुध ग्रह खराब चल रहा हो तो ये उपाय करके देखेगा, जिनके जीवन में कष्ट है वो ठीक होगा। मांबे करेंगे कल्याण तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज शारीरिक कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा दर्द घुटनों का दर्द घंटियों का दर्द परेशान कर सकता है। लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिए, चिंता तनाव थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। शत्रु का भय आपको परेशान करेगा, धन प्राप्ति का रास्ता अवश्य सुगम होगा और भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक में खासतौर पर कार्यों में मांगलिक कार्यों में संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं योग। आज शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए आज के दिन में, हो सके तो केवड़े का इत्र भगवान को समर्पित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है योगा योग जान लीजिए। आज मांबे का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, कुसंगति से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, वाहन और मशीनरी का प्रयोग सावधानी के साथ करें।
किसी दूसरे व्यक्ति की बेकार व्यक्ति की बातों में ना आए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो भी लें सोच समझ के लीजिएगा। व्यापार अच्छा चलेगा चिंता ना करें, आपके सहयोगी जो आपके साथ काम करते हैं उनसे थोड़ी कहासुनी हो सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें, आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफ़ेद। तामसिक भोजन का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें सफ़ेद चमेली के पुष्प भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। अब समय है स्वप्न विज्ञान के बारे में बात करने का। बिहार के मोतिहारी जिला से कृष्ण गोस्वामी जी का प्रश्न आया। उन्होंने सपने में हाथी को देखा कि जान से मार दिया उन्हें हाथी, ये क्या संकेत दे रहा है वो जानना चाहते हैं। देखिए, सपने में हाथी को मारना या खदेड़ना शुभ संकेत नहीं है। हाथी गणेश के प्रतीक है, शुभ के प्रतीक है, और यदि उनको खदेड़ देंगे, उनको उनके कुछ अहित करेंगे उनका, तो आपके जीवन में रसूख पोजीशन इन सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके शत्रु आपको कष्ट देंगे, परेशानी होगी। शत्रुओं से ईर्ष्या आपको परेशान करेगी, शत्रुओं के जो योग है वो आपको परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इन समस्त उलझनों को ठीक करने के लिए आपको गन्ने का दान करना चाहिए, श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी को दूर्वा समर्पित करनी चाहिए, करें लाभ होगा। बॉम्बे करेंगे कल्याण। सहारनपुर से विजेंद्र त्यागी जी का एक प्रश्न हो रहा है इस संबंध में, और उन्होंने सपने में देखा एक्वेरियम और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपने में एक्वेरियम का देखना, मछली का देखना बहुत शुभ संकेत है। लाभ के योग बनाएगा, शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे, आर्थिक संपन्नता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लीजिए, विष्णु जी की आराधना कर लीजिए, शालिग्राम की पूजा कीजिए और सोने पर सुहागा बनेगा योग। देवोत्तरी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन समस्त कार्यों करने से, तुलसी विवाह का कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। गमले में आज के दिन तुलसी का पौधा लगाकर घर में अवश्य लाने का प्रयास करना चाहिए। तुलसी का पंचोपचार सार्वभौमिक रूप से पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। एक घी का दीपक और धूप अवश्य दिखाने का प्रयास करना चाहिए। सिंदूर रोली चंदन नैवेद्य उन्हें समर्पित करें। तुलसी को वस्त्र भी सुशोभित करते हुए उनको पहनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि नए घर में आप जा रहे हैं आज के शुभ योग में, तो एक तुलसी का पेड़ अवश्य लगाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा वहाँ अवश्य लगाएं और कलश में भरकर यदि जल उस घर में प्रवेश करेंगे तुलसी पत्र लेकर, तुलसी का पेड़ लेकर, तो आपके जीवन में उस नए घर में कभी संपत्ति कमी नहीं होगी। नौकरी में विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय आपको जान लेना चाहिए। गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा खासतौर पर पीले रंग के कपड़े में से यदि बांध दें, पीले रंग के कपड़े को श्यामा तुलसी पर बांध दें, तो कहा जाता है कि ऐसा करने से कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगा और जीवन में आगे बढ़ने के अद्भुत योग भी बनेंगे। ये छोटा सा उपाय है, करके देखें कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का योग बन सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। मानसिक शांति प्राप्त होती दिखाई दे रही है। लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। आज व्यवसायिक यात्रा सफल होती दिखाई दे रही है, परंतु शारीरिक कष्ट थोड़ा परेशान कर सकता है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सलेटी रहेगा। संध्या के समय तुलसी के पेड़ के पास एक घी का दिया जलाएं, चावल का दान करें, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। सुख साधन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। नई योजनाएं बनती दिखाई दे रही है। तत्काल तो लाभ नहीं मिलेगा, परंतु भविष्य में लाभ मिलेगा। कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत दे रहे हैं आज के ग्रह। समाज के काम में आपको आज लाभ होता दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ सकती है। मान सम्मान मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपके साथ जो काम करते हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग है जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वो है भूरा। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, ऋतुफल का भगवान को भोग लगाएं, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कीमती वस्तु को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। शारीरिक कष्ट थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। बकाया वसूली का जो प्रयास करेंगे वो सफल होता दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक यात्रा आपको लाभ देती दिखाई दे रही है। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। निवेश आपके लिए शुभ रहेगा। जो आपके पार्टनर्स का सहयोग भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज बेकार के कामों में प्रमाद न करें, इस बात का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। पीले वस्त्रों का दान करें, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों की बात भी कर लेते हैं। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति से कहासुनी होने के योग दिखाई देते हैं। स्वाभिमान पर ठेस लगने के योग बन रहे हैं। जोखिम भरे कार्य टाल दें तो अच्छा रहेगा। आज व्यवसाय ठीक चलेगा, आय बनी रहेगी, फिर काय की चिंता है, इसलिए बैलेंस होकर काम कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला दिखाई देता है। भगवान विष्णु की पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। नया वस्त्र ना पहने ऐसा योग बन रहा है। आगे बढ़िए, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। हेल्दी टिप में आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के बारे में। तुलसी विवाह होता है, इससे बढ़िया तो कोई योगी नहीं है। तुलसी के अद्भुत फायदे हैं। तुलसी के बीज और तुलसी के पत्तियों को चूर्ण बनाकर यदि प्रयोग करेंगे तो कहा जाता है कि इससे
कफ जनित दोष जो है वो आपके शरीर से दूर हो जाएंगे, पाचन शक्ति अद्भुत बढ़ जाती है और शरीर के रक्त को शुद्ध करने के लिए भी ये अद्भुत रूप से है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से आपने बचपन से देखा होगा बुखार ठीक हो जाता है, दिल से जुड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, पेट से जुड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं, मलेरिया तक ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यदि चाय के रूप में तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे, और रामा तुलसी विशेष तौर पर लाभ देती है। तुलसी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, वैसे तो कई प्रकार की 400 प्रकार की तुलसी बताई गई है शास्त्र में, लेकिन रामा और श्यामा प्रकार की दो तुलसी होती है। जिनको आयरन की डेफिशिएंसी, यदि श्यामा तुलसी का पानी नित्य प्रति सेवन करेंगे तो देखिएगा अद्भुत रूप से उनको इम्यूनिटी को ठीक करने में बहुत लाभ प्राप्त होगा। और कहा जाता है स्त्रियों के लिए श्यामा तुलसी और पुरुषों के लिए रामा तुलसी विशेष तौर पर लाभ देती है। सिर दर्द ज़्यादा रहता है तो तुलसी के जल का सेवन करें, देखिए लाभ प्राप्त होगा। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष बहुत सारी बातें रखी, तो ये आपके मन में चल रही हो कोई प्रश्न तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।